और अभी आपको बताएं कि कप्तान के दरीना साथी साथ छोड़ गए हैं। पीटीआई के रुकन कौमी असेंबली नजीब हारून मुस्ताफी इस्तीफा सदर वजर आजम और स्पीकर कौमी असेंबली को भेज दिया। शहर कायद से मुंतखब रुकन कौमी असेंबली नजीब हारून ने अपनी नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शामिल थे। नजीब हारून ने अपना इस्तीफा सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी वजीर आजम इमरान खान और स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को भेज दिया। उन्होंने इस जिम में समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने पैगाम में कहा है कि वो भारी दिल के साथ मुस्ताफी हो रहे हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरीना साथी नजीब हारून ने अपने इस्तीफे की वजह में लिखा है कि गुज़श्ता 20 माह के दौरान वो ना अपने हल्का इंतखाब में कोई बेहतरी ला सके और ना ही अपने शहर कराची की कोई खिदमत कर सके हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उनका अपने मनसब पर रहने का जवाब नहीं बनता। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी एमएनए नजीब हारून हुकूमती कारकर्दगी से खुश नहीं थे और गाहे बगाहे मीडिया पर वज़रा की मायूस कुन कारकर्दगी, कप्तान की मजबूरियों और हुकूमत में बैठे कुछ करप्ट लोगों की तरफ इशारा करते रहते थे। नजीब हारून ने कराची से मुंतखब होने के फौरी बाद ऐलान किया था कि वो ना तनख्वाह लेंगे और ना ही कोई दूसरी सरकारी और हुकूमती सहूलत हासिल करेंगे।